जय 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 भीम। योगी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, संजली के हत्यारों को, संजली के हत्यारों को, संजली के हत्यारों को। और ये आगरा का डीएम, आगरा का जिले तक जिलाधिकारी, इसको शर्म नहीं आई, एक बेटी की चली हुई लाश की कीमत 50,000 रुपए लगाता है। और योगी ने अपने नुमाइंदे को भेजा था डिप्टी सीएम को, उसको इतनी शर्म नहीं आई कि 5,00,000 रुपए बेटी की लाश की कीमत वो लगाता है, फेंक देता है ऐसे कि हम 5,00,000 दे सकते हैं। अरे तिवारी, 13 साल लगता था क्या? बड़े सोचने वाली बात है। अपने, मैं जीजा साले की बात बहुत करता हूं साथियों, अपने जीजाओं को ये लोग पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देते हैं, और एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए ये लोग चुपचाप इनकी जुबानों पर ताले लग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे डिप्टी सीएम को। ये सरकार महिला विरोधियों की सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार किसी की नहीं है। तो आज हमें जिस तरीके से कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और हम शायद कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दो दो हाथ करने होंगे हमें इस शासन से, इस प्रशासन से। कहते हैं ना, एक बार मुझे जब जेल में ले जाया गया तो कुछ पुलिस वालों ने कहा मेरे से कि भाई सतपाल, प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, बोला प्रशासन से झगड़ा मत करो, सरकार से झगड़ा मत करो। जब उनको कहा था तुम प्रशासन को सबसे बड़ा गुंडा मानते हो, प्रशासन से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता, तो आपको एक बात बता देते हैं, देश के अंदर अगर आजादी दिलवाई है, देश के अंदर बदलाव लाया है, देश के अंदर सरकारें गिराई है, क्रांतिकारियों से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता, हम वो क्रांतिकारी हैं। साथियों, जय भीम सिर्फ तालियां नहीं, तालियां नहीं, क्योंकि मैटर बहुत संजीदा है, और हम, हमारे दिल में आग लगी हुई है, दिल में पीड़ा है हमारे, हमने एक बहन को खोया, एक बेटी को खोया हमने। योगी रोगी भोगी ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक बयान दिया था कि हनुमान दलित थे, और हम इतने बेवकूफ है, तरस आता है ऐसी मेंटलिटी के ऊपर, ऐसी मेंटलिटी पे तरस आता है, और सरेआम हम लोग जो है बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि दलित कर रहे हैं हनुमान मंदिर पर कब्जे। साहब काशीराम जी कह कह के मर गए, चले गए इस दुनिया से, बाबा साहब कह कह करके चले गए कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होया करेगा, मत पेटी से पैदा होया करेगा। लेकिन हम इतने गवार हैं, इतने जाहिल हैं, इतने नमक हराम हैं, इतने मक्कार हैं, मंदिरों पे कब्जा करने चल दिए, संसद पे कब्जा ना कर सके आज तक भी। हमें संसद पे कब्जा करने के लिए लोगों को समझाना पड़ रहा है, बहुत समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, हमें चिल्लाना पड़ता है जंतर मंतर पर आकर के गलियों के अंदर। जब बहन संजली जैसी बिटिया हमारे बीच नहीं रहती, जब समाज के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जब हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं, जब जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, हमें जब चिल्लाना पड़ता है। फूलन देवी को हम नमन करते हैं, एक मिसाल पेश कर गई वो, बेशक उस कायर ने, शेर सिंह राणा ने, जिसने सब्बीरपुर कांड भी कराया था, बेशक उस कायर शेर सिंह राणा ने पीठ पीछे से गोली मारी, बनता है शेर सिंह राणा, पीठ पीछे से गोली मारी थी, लेकिन लाइन से खड़े करके बहन फूलन देवी ने सरेआम दिन दहाड़े भून दिया था। ऐसे हमारी बहनों को बहन फूलन देवी बनना ही होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।